गजरौला थाना क्षेत्र के गांव नौनेर में मुर्गी फार्म में लगी भीषण आग। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव नौनेर में मुर्गी फार्म में आग लगने से लगभग 2500 मुर्गी के बच्चे जलने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग की लाइव तस्वीरें स्थानीय लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली थी। जानकारी के अनुसार अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के नौनेर गाँव के रहने वाले मतलूब हुसैन गाँव के बाहरी छोर पर एक मुर्गी का फार्म चलाते हैं, जहाँ पर मुर्गी पालन का व्यापार होता है। मतलूब हुसैन के अनुसार उसके फार्म में इस समय लगभग 3000 मुर्गी के बच्चों का पालन हो रहा था और उनकी देखरेख स्वयं वही रहकर कर रहे थे। उसके मुताबिक मौसम ठंडा होने पर वो आग जलाकर तापते हुए सो गया। उसकी इसी लापरवाही से किसी तरह हाथ तापने और ठंड भगाने को लगाई गई आग ने उसके मुर्गी फार्म को बुरी तरह जला दिया। जब तक मतलूब कुछ कर पाता, आग विकराल हो चुकी थी। आग में उसके फार्म में पल रहे मुर्गी के बच्चे भी जलकर राख हो गए। ग्रामीणों की सहायता से अपनी जान बचाई, लेकिन फार्म में मुर्गी के बच्चों के जलने से नहीं बचा सका, जिसकी वजह से उसका लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। नाम है आपका? हाँ जी, मतलूब हुसैन नाम है मेरा जी। फार्म आपका ही है? हाँ जी, हाँ फार्म मैं चलाता हूँ। अच्छा, कहाँ से हो? जी नौनेर से हूँ, यहाँ गजरौला यूपी के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या मामला था, कैसे लगी सर? साहब जी, हम इसमें बच्चा पालते हैं, यहाँ ये भट्टी है जी, इसको शुरू में भट्टी जलानी पड़ती है जी, छोटा बच्चा होता है। सुबह मौसम खराब था तो मैंने इस वजह से भट्टी जलाई। इस भट्टी में से पता नहीं कोई चिंगारी ऐसी निकली है जो कि इसके ऊपर गिरी है। इसको ऊपर से फूस डाल के रखते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्यों गर्मी हो रही है, मौसम ठंडा रहे नीचे। अच्छा। तपिश ना रहे, और चिंगारी इसके ऊपर डलने के बाद में जब आग भड़की है तो मेरे पास कोई पानी का इंतजाम नहीं था यहाँ पर। अच्छा। फिर मैं इतना पानी का इंतजाम करा तो बहुत आग जल गई, मैंने समरसेबल भी चलाया, फिर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। अच्छा, कितना बच्चा लगभग इसमें, कितना बच्चा था इसमें जी? परसों डाला जी मैंने, 2500 बच्चा, 3 दिन हो गए जी आज। अच्छा, कितना नुकसान, कितना बच्चा मरा लगभग? अजी 2500 बच्चा तो मेरा सारा खत्म हो गया जो छोटा बच्चा डाला था जी, और उसके बाद मेरा इधर 2500 बच्चा तैयार है जी, इसमें से भी आधा बच्चा इसका जल चुका है, इसमें झुलस गया था, सारा बच्चा इधर पड़ा था, अचानक यहाँ तिरपाल भी लगा हुआ था, तिरपाल उनके ऊपर गिर गया जलने के बाद। अच्छा अच्छा, ये फायर वाल को फोन किया आपने? हाँ जी हाँ, मैंने 3 बार फोन किया, 3-4 बार। क्या मिला जी? मेरा कोई जवाब ही नहीं मिला उधर से, मेरे गाँव के बहुत लोग आ गए थे यहाँ पे, उन्होंने मेरे से कहा जल्दी से जल्दी फायर वालों को करो फोन, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उस टाइम। अच्छा, फायर वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला जी? कोई जवाब नहीं मिला। हाँ जी ठीक है सर, कॉल डिटेल भी है मेरे पास जी उसकी। ठीक है सर।